हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बच्चे, इस क्लास में उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपको अभी रहते हैं, बट रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के, तो उस कॉन्सेप्ट को बेटा आज और क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बेटा आपके इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा बस हमें अकाउंट ही बनाना रह जाएगा और प्रैक्टिस करना रह जाएगा इस चैप्टर का। तो कंसेप्चुअल क्लासेस आज ओवर हो जाएंगी। तो देखते हैं बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, मैं बहुत बार बात कर रहा था, अभी जो पीछे मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा था तो उसमें मैं बहुत बार कह रहा था कि आउटसाइड लाइबिलिटीज, नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो कई बार आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं और नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसलिए बेटा मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, सो दैट आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो करते हैं बेटा स्टार्ट और समझते हैं कि चीज़ को। तो सबसे पहले फॉलोइंग आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज, बेटा ये कौन सी है? हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि इसमें ऑर्डर है बेटा। पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेड करेंगे और उसके बाद फिर बिजनेस की लाइबिलिटीज को पेड करेंगे। तो सो दैट सबसे पहले बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट इज आउटसाइड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 11th क्लास में बहुत बार पढ़ाया आपने, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये क्या है? आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसे कई बार इन शॉर्ट में लिखा रहता है बेटा ईपीएफ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, तो वो भी क्या है बेटा? हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज सेविंग बैंक, मतलब इसका छोटा भाई एम्प्लॉयज सेविंग बैंक, ये भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है बेटा। नेक्स्ट है पार्टनर्स रिलेटिव लोन, ये ध्यान रखना, पार्टनर्स के रिलेटिव का कोई लोन है, मतलब पार्टनर्स की वाइफ का लोन है, पार्टनर्स के ब्रदर का लोन है, पार्टनर्स के अंकल का लोन है, आंटी का लोन है, किसी का लोन है बेटा, वो क्या है? हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। अगला हमारा बेटा एक आता है जो इसमें, पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो ये भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं जिसे बेटा हमें ध्यान रखना होता है। अच्छा, नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? ऑल रिजर्व, रिजर्व कौन कौन से? जनरल रिजर्व, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसे ट्राज, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? हमारी लाइबिलिटीज नहीं है, ये हमारे रिजर्व्स हैं। उसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज अ नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, सो ये तो बेटा बात होगी हमारी किसकी, आउटसाइड लाइबिलिटीज और नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज का। तो अगला बेटा देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, बेटा ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी बच्चे को। तो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लास्ट चैप्टर में हमने बहुत बार किया बेटा, सभी चैप्टर्स में इसका ट्रीटमेंट किया है, इस चैप्टर में भी उसी तरह का मिलता जुलता ट्रीटमेंट है, थोड़े से इसमें अलग पॉइंट्स हैं बस, तो हमें ध्यान देना है बच्चे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो पहले तो एक बैलेंस शीट बना ली हमने यहाँ पे, जिसमें लाइबिलिटी साइड में गिवन है ₹10,000 WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 10,000 गिवन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसके बाद बेटा इस तरह से आपके केसेस गिवन होंगे, केसेस कौन से गिवन होंगे? अब आपको बताया रहेगा बेटा इसमें कोई भी वर्क, ये बेटा इसका मतलब क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी जो लेबर है, कोई भी मजदूर आपसे किसी भी तरीके का क्लेम मांगने नहीं आया है, तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा? जब लाइबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा किस में बढ़ जाएगा, मतलब वही पिछले चैप्टर वाला मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा WCR, ठीक है, बाय WCR इन अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बेटा, हम उसको सभी पार्टनर्स को बेटा उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। देखो इसमें रेशो की बात ही नहीं होगी क्योंकि बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो इसमें ओल्ड और न्यू का कोई चक्कर ही नहीं है बेटा, ओल्ड रेशो या न्यू रेशो,
तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, पार्टनर्स की रेशो में हम बांट देंगे। अगला सेकंड वाला केस देखिए, जहाँ पे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज बेटा 4000 है, ठीक है। अब हमारे पास रिजर्व कितने का है, 10,000 का, लाइबिलिटी कितनी है, 4000 की है। तो इस केस में बेटा हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बेटा पिछले चैप्टर से थोड़ा अलग है। तो पहले तो बेटा 4000 है, तो बचा कितना, 10,000 था, 10,000 में से 4000 लेस कर दिया, तो पार्टनर को देने के लिए कितना बचा, 6000 बचा हमें। तो 6000 सबसे पहले बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद जो 4000 बचेगा, उस 4000 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे बेटा यहाँ पे, एक इसमें नया अकाउंट बनाएगा बनेगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और लाइबिलिटीज को ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं वो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी इसमें आइटम्स आती हैं। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज को बेटा इसके क्रेडिट साइड में 4000 रुपीज ट्रांसफ़र करेंगे। ये वाला हमारा जो क्लेम है कर दिया। उसके बाद बेटा इसकी हम पेमेंट करते हैं, इसके डेबिट साइड में पेमेंट करते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 4000 इसकी हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था जो प्रीवियस चैप्टर से था। तो अगला और इसमें एक ट्रीटमेंट देख लीजिए, थर्ड और लास्ट, थर्ड और लास्ट कौन सा है देखिए बेटा। अब मान लीजिए आपकी जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज है वो 12000 की है, लेकिन रिजर्व आपके पास कितना है बेटा, 10,000 का ही है। तो मतलब मोर देन द रिजर्व आपके लाइबिलिटी आ गई, आपने रिजर्व कितना बना रखा है 10,000 का, लेकिन लाइबिलिटी कितनी आ गई बेटा, 12,000 की आ गई। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में सबसे पहले तो बेटा पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी रिजर्व हमारा बचा नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। पार्टनर्स को जो यहाँ पे बेटा क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, ध्यान से सुन लीजिए, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला अमाउंट, यहाँ पे वही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जो आपके रिजर्व में है, ये ध्यान रखना, रिजर्व, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी भी हो आपसे मतलब नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में वही वाला अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जो आपके रिजर्व में है। रिजर्व में कितना है, 10,000 है, तो 10,000 ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। किस केस में होगा बेटा, जब आपकी लाइबिलिटी मोर देन द रिजर्व होगी। अब रिजर्व हमारे पास 10,000 का है, लाइबिलिटी हमारे पास 12,000 की है, तो इस केस में बेटा रिजर्व को रिजर्व के बराबर अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। मतलब यहाँ पे रिजर्व वाला ही अमाउंट आएगा, जितना रिजर्व होगा ना उतना ट्रांसफ़र करेंगे बस, इससे ज़्यादा बेटा हम अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्लेम हमारा कितना भी हो, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पेड करेंगे टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे बेटा हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, क्लेम वैल्यू आएगी। क्लेम वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, 12,000। तो ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, बच्चे यहाँ पे गलतियाँ बहुत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्लेम वैल्यू लिख देते हैं, तो क्लेम वैल्यू नहीं आएगी। क्लियरली आप ध्यान दे लीजिए, क्लेम वैल्यू नहीं आएगी, जितना रिजर्व रहेगा उसी का अमाउंट आएगा यहाँ पे बस, ठीक है, ओनली रिजर्व अमाउंट। उसके बाद जब लेकिन यहाँ पे हम पेड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्लेम अमाउंट आएगा, यहाँ पे हमारा क्लेम अमाउंट आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जितना हमने रिजर्व बनाया है, ठीक है, क्लेम हमारा कितने का भी हो, लेकिन जितना रिजर्व है वही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेटा रिजर्व कितना हो जाए, 12,000 की बजाय 1,20,000 हो जाए, फिर भी बेटा यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे, और जब पेड करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो पूरी वैल्यू आएगी क्लेम की, लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे सिर्फ वही आएगा जो आपने रिजर्व बना रखा है। तो ये लास्ट कंसेप्चुअल क्लास थी आज आपकी, और कल से बेटा अकाउंट्स बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, जो भी अकाउंट्स है हमारे लिए
चार तरीके के अकाउंट बनते हैं बेटा। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। तो ये बेटा चार अकाउंट्स हमें बनाने सीखने हैं इस चैप्टर में। तो अगली क्लासेस में बेटा इन चारों अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा इस वीक में ही कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।